हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस चाय और इसके अंदर एक सरप्राइज है। ये मेरा क्यूटेस्ट गिफ्ट है अभी तक का। और चाय को देखकर आपको कभी कभी चाय के बाग या हरे हरे से चाय के फार्म याद आते होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो है मुन्नार की। रिसेंटली आई हैव विजिटेड टू मुन्नार। केरला में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है। तो चलिए, मैं आपको आज लेकर चलती हूँ बैंगलोर टू मुन्नार रोड ट्रिप। सो गाइस, बैंगलोर से मुन्नार आपको जाने के लिए बहुत से रूट दिखेंगे। एक तो आपको दिखेगा बैंगलोर टू मदुरई और वहाँ से आपको मुन्नार जाना पड़ेगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग अवे। आज मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाऊंगी जो कि सेलम से होगा। और एक और अल्टरनेट रास्ता है और सभी रूट्स में आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम लगने वाला, 10 to 11 hours। सो प्लीज़ जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सफ़र का मज़ा तो रास्ते में ही होता है गाइस। सो गाइस, एज यूजुअल बैंगलोर से फर्स्ट स्टेशन हमारा होता है ऑलवेज ए टू बी कृष्णागिरी। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। लिटरली प्लेट लेकर हमको बाहर बैठकर खाना पड़ा। और उसके बाद सेलम तक का रास्ता नाग की झील में एकदम सीधा है, वहाँ तक आप चले जाइए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से कौन सा रूट लेना है। सो गाइस, बैंगलोर से हम होसूर रोड यानी कि NH 44 होकर पहुँच चुके हैं सेलम। यहाँ से आप एक रूट जाता है वो वाला रूट आप मत लीजिएगा, दैट इज वेरी लॉन्ग रूट। एक रूट जाएगा आपका वाया कोयम्बटूर, लेकिन कोयम्बटूर हम पहुंचेंगे नहीं, उससे 45-48 किलोमीटर पहले एक रूट जाता है उथमलपट्टई। वहां आपको जाना है और वहां से अन्नामलाई होते हुए चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन आप पहुंच सकते हैं मुन्नार। ये रास्ता गाइज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स आप अपने सेव कर लेंगे। 450 और 470 किलोमीटर्स एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको मदुरई वाला ही रास्ता दिखाएगा, आप वहां से मत जाइएगा। मैं आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, लेकिन 100 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे। सो गाइस, फाइनली 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं मरयूर। और यहां आते ही गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना ही सुंदर है। जब आप यहां पर आएंगे ना, तभी आपको इसकी ब्यूटी पता लगेगी। मेरे दिखाने से या फोटोज देखने से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। फिर भी मैंने ट्राई किया है, बट प्लीज वंस इन अ व्हाइल अगर आप आ सकते हैं, प्लीज एक बार मुन्नार जरूर आइएगा। कोई ना बना के दे तो पत्तियां तोड़ो, पानी में उबालो और पी जाओ, उसमें भी खुशबू आ रही होगी, उसमें भी टेस्ट आएगा। क्या लग रहा है यार, ये रही हमारे होटल की छोटी सी झलक। गाइस, वन ऑफ द बेस्ट होटल है मुन्नार में। अगर आप 5-star एक्सपीरियंस चाहते हैं हिल स्टेशन में और वो भी बजट में, तो ये होटल तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को और कीप वॉचिंग। मिनी
तो गाइस जहां तक नजर जाएगी आपको दिखेंगे चाय के बाग, ग्रीनरी और ब्यूटी तो मुन्नार की गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना ब्यूटीफुल है मुन्नार। वैसे आप दार्जिलिंग को भी इसमें महसूस कर रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कर्नाटक क्यों ना जाए, कूर्ग में भी तो हैं, बट कॉफी और चाय में कुछ तो फर्क होता है ना गाइस। गाइज अगर आप शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आर्टिस्ट ट्रैवलर तपिका। गाइस मुन्नार में मैंने जो जो भी जगह विजिट की है उसके नाम मैं कैप्शंस में देती रहूंगी, और साथ साथ टी फैक्ट्री विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बट अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था तो मैं अंदर का नहीं कर पाई, और अच्छा ही हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से चाय खरीदना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, इतने अच्छे ऑफर्स थे कि मैंने कम से कम 20 पैकेट लिए हैं जो कि मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग अलग तरह की चाय यहाँ मिलती है। Sorry.
केरला में अगर मिल जाए गुजराती मारवाड़ी टेस्टी सा खाना तो क्या ही बात है। लोकेशन मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, ये था मुन्ना ट्रिप का छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी जर्नी।